हाय, इस वीडियो में हम डिजाइन ऑफ कन्वेस लैब के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन चैनल अच्छा लगे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं डिजाइन ऑफ स्लैब मतलब क्या। उससे पहले हम देखेंगे डिजाइन मतलब क्या। हम सबको पता है कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग प्रकार की लोडिंग आती है, जैसे कंप्रेशन, टेंशन। ये सब लोडिंग लेने के लिए हम स्ट्रक्चर में अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कंप्रेशन लेने के लिए हम कॉन्क्रीट प्रोवाइड करते हैं और टेंशन लेने के लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार अभी ये जो टेंशन लेने के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन लेने के लिए कॉन्क्रीट प्रोवाइड करते हैं, वो कितने प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें मतलब डिजाइन रहता है। अभी डिज़ाइन में क्या करते हैं हम, वो किसी भी हम अभी हम स्लैब के लिए कंसिडर करते हैं। डिज़ाइन के लिए हम उसके डायमेंशन फिक्स करते हैं, उसके ग्रेड एंड कॉन्क्रीट ऑफ स्टील फिक्स करते हैं, फिर उसके डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ये सब चीज़ें फिक्स करते हैं। इसका मतलब डिज़ाइन करना रहता है। अभी ये जो हमने डिज़ाइन की है, ये डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू आई एस कोड भी होनी चाहिए, जो कि आई एस 45000 के क्लॉथ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और हमको पता है कि हमारा जो स्लैब है, ये एक ट्रांसवर्स लोडिंग देता है, मतलब उसको परपेंडिकुलर लोडिंग रहती है। उसकी वजह से उसमें एक तो कि शियर आता है, डिफ्लेक्शन आता है, या तो फिर फ्लेक्जर आता है। फ्लेक्जर मतलब एक तो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, या तो वाइस वर्सा, जिस वो सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपली सपोर्ट है या कैंटिलीवर। इन सब चीज़ों के लिए हमको उसको चेक करना पड़ता है, मतलब जैसे कि चेक फॉर फ्लेक्जर, चेक फॉर शियर, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ये सब चीज़ें होने के बाद इसमें इन सब चीज़ों में अगर हमारा डिज़ाइन किए वाला स्लैब सेफ है तो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसमें एक पार्ट रहता है कि इकोनॉमी भी मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब जैसे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स यूज करते हैं या तो फिर कर्टलमेंट बार्स यूज करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमी के लिए। ये इकोनॉमी हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं, हमसे भी इस वीडियो में डिज़ाइन ऑफ स्लैब कैसे करते हैं और उसके लिए कैसे कैसे चेक्स रहता है, ये सब हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। स्टेप वन, इसमें हम देखते हैं कि टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लैब। अभी हमको पता नहीं कौन सा स्लैब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब वो जो स्लैब हम डिज़ाइन कर रहे हैं वन वे है या तो फिर टू वे है। इसके लिए हम वहाँ पे देखते हैं कि हमको पता है कि अगर स्लैब के एक साइड में सपोर्ट होगा, दो साइड में सपोर्ट होगा, या तो फिर तीन साइड में सपोर्ट होगा, तो हम उसको एज अ वन वे स्लैब डिज़ाइन करते हैं। पर अगर स्लैब के चारों साइड में सपोर्ट होगा तो उस टाइम हम वहाँ पे LY बाय LX रेशियो देखते हैं। अगर वो LY बाय LX रेशियो दो से ज़्यादा होगा तो हम उसको वन वे स्लैब से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्लैब कौन सा है। अभी हम देखते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या। अभी ओवरऑल डेप्थ हम सबको पता है, जैसे ये जो ब्लू पोर्शन है वो स्लैब का कॉन्क्रीट पोर्शन है, जिसका टॉप मोस्ट पोर्शन और बॉटम मोस्ट पोर्शन की जो डेप्थ है उसको हम ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। और जो इफेक्टिव कवर है, अगर टोटल डेप्थ में से अगर हमने इफेक्टिव कवर माइनस कर दिया तो हमको इफेक्टिव डेप्थ मिलती है। अभी इफेक्टिव डेप्थ का कंसेप्ट क्या है वह भी देखते हैं। वी टू अज्यूम द इफेक्टिव डेप्थ, मतलब जो भी हम यहाँ पे ये स्टेप में जो भी डेप्थ अज्यूम करेंगे वो डी अज्यूम बोल के कंसिडर की जाती है। और ये जो चीज़ है ये क्लॉज नंबर 23.2.1 पेज नंबर 37 पे दी वाली है कि हम इफेक्टिव डेप्थ कैसे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर जो हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं उसके लिए हम LYD रेशियो कंसिडर करते हैं। अगर वो वो LYD रेशियो क्या है, तो LYD रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब ये 20:MF है, और वही कंटिन्यूस स्लैब के लिए 26 MF है, और कैंटिलीवर स्लैब के लिए 7 MF। और फॉर स्पैन मोर देन 10 मीटर वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कंटिन्यूस स्लैब के लिए चेंज हो जाते हैं ये रेशियो, बाकी कैंटिलीवर स्लैब के लिए वही सेम रहता है। यहाँ पे जो LYD रेशियो है वो 10 MF, इससे हमको ये मिल जाता है। अभी ये जो रेशियो है इससे हमको डेप पता चलेंगे, यहाँ से हम डेप अज्यूम कर लेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ अननोन हमको डेप रहेंगे, बाकी L मतलब क्या, L मतलब तो शॉर्ट स्पैन है, और D मतलब D माइनस इफेक्टिव स्पैन। अब यही तो हमको कैलकुलेट करना है, D क्या है अज्यूम, तो वहाँ पे हमको MF भी चाहिए, L भी चाहिए और D भी चाहिए। तो हम L कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमको गिवन डाटा पता है कि जो स्पैन है शॉर्ट स्पैन जो है उसको हम एज वन वे स्लैब में शॉर्ट स्पैन में मेन रेनफोर्स में प्रोवाइड करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि सपोर्ट किस कौन सी साइड में। अगर सपोर्ट परपेंडिकुलर टू लॉन्गर स्पैन होंगे तो हम लॉन्गर स्पैन में मेन रेनफोर्समेंट करेंगे, वो टाइम पे हमारे यहाँ पे LY हमारा मेन स्पैन बन जाएगा, और यहाँ पे हम LY के कंसिडर जो भी हमारी डेप्थ कंसिडर करेंगे। अभी इसमें सिर्फ हमको MF नहीं पता, अभी MF कैसे निकालते वो भी देख लेंगे। अगर हमको MF पता चल गया तो DSM मिल जाएगा। तो अभी MF देखते हैं क्या है।
एमएफ मतलब मॉडिफिकेशन फैक्टर, और इसके लिए हमको फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38 इन आईएस कोड 456-2000 में दिए वाली है वो ये फिगर है, इससे हम एमएफ निकालते हैं। यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में हमको मॉडिफिकेशन फैक्टर दिखाई देता है और एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमको परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट दिखाई देता है। अब ये परसेंटेज स्टार्टिंग में हम इसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि इसको हम 0.2 से लेके 0.6 तक कंसिडर कर लेते हैं और उसको वो जो कंसिडरेशन है उसके ऊपर हम फिर मॉडिफिकेशन फैक्टर लेते हैं, और जो वो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो हम स्टार्टिंग में लेके उसको डी अज्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो बाद में डी अज्यूम हम चेक करते हैं अलग अलग चेक के ऊपर कि वो सेफ आता है या नहीं आता है। अभी इसमें हम अगर मान लो हमने कंसिडर कर दिया 0.4 परसेंटेज ऑफ टेंशन रेइंफोर्समेंट, तो फिर बाद में हमको चाहिए रहता है यहाँ पे fs, fs की वैल्यू इन ये जो कर्व्स है ना कर्व्स वाले पोर्शन से ये हमारे fs की वैल्यूज इंडिकेट करते हैं। अभी जैसे कि हमको यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि fs इज इक्वल टू 0.58 इंटू fy इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। अभी जैसे कि हमको पता है हमने अभी तक डिजाइन स्टार्ट ही किया है, मतलब इसी का मतलब हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड दोनों को नहीं पता, इसकी वजह से हम स्टार्टिंग में इसको ये रेशियो जो है इसको हम 1 कंसिडर कर लेंगे, जिसकी वजह से हमको fs की वैल्यू 0.58 इंटू fy, fy मतलब हमारे स्टील के ग्रेड के ऊपर है, fy फॉर fe 250 is 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, fe 415 के लिए 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है और fe 500 के लिए 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो ये यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, तो ये हमको पता चल जाएंगे। फिर हम बाद में 0.58 से fy को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको fs की वैल्यू मिल जाएंगे। अगर fs की वैल्यू ये कर्व के ऊपर देखेंगे, जैसे कि अगर fs की वैल्यू होंगी मेरी 240 और जो हमारी परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कंसिडर की है वो है 0.4, तो वहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे 1.2 के ऊपर मतलब नज़दीक 1.3 के नज़दीक हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। तो हाँ अब हमारा एमएफ फैक्टर भी मिल गया हमको, तो एमएफ फैक्टर कंसिडर कर लेंगे। जैसे हमको हमारा एमएफ फैक्टर मिल गया, ये जो फॉर्मूले है यहाँ पे हम एमएफ रखेंगे और ये हमारे जो शॉर्टेस्ट स्पैन है यहाँ पे शॉर्टेस्ट स्पैन की वैल्यू रखेंगे जिसके ऊपर से हमको डी अज्यूम मिल जाएंगे, तो यहाँ से हमको डी अज्यूम मिलता है। ये स्टेप 2 कम्प्लीट होती है हमारी। अभी हम आगे देखते हैं स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन। अभी तक हमने डेप्थ कंसिडर कर ली, अब हम देखते हैं वो जो डेप्थ कंसिडर की है वो फ्लेक्चर में सेफ है या नहीं, इसके लिए हमको इफेक्टिव स्पान की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव स्पान मतलब क्या, हम सबको पता है कि एलएक्स जो है तो वो इंटर इन डायमेंशन ऑफ स्लैब है, मतलब सपोर्ट के अंदर से लेके सपोर्ट के अंदर तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम एलएक्स कहते हैं, मतलब क्लियर स्पान, जिसको हम क्लियर स्पान कहते हैं, और उसी प्रकार जो LY डायरेक्शन में है उसको हम LY मतलब जो भी ये सपोर्ट से लेके ये सपोर्ट तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम LY कहते हैं। अगर ये जो LX है इसको हमको इफेक्टिव स्पान करना है तो वो कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम इंडिकेट कर दिया, ये सपोर्ट के लेके ये सपोर्ट के सेंटर से लेके तक ये सपोर्ट के सेंटर तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम LX कहते हैं। अभी IS कोड ने यहाँ पे भी दो चीज़ें बताई हैं हमको, जैसे कि पहली चीज़ की क्लियर स्पान प्लस डेप्थ, ये चीज़ कंसिडर करो एलेक्स मतलब इफेक्टिव स्पान के लिए, या तो फिर क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ कंसिडर, ये दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ की वैल्यू कम होंगी उसको हम इफेक्टिव स्पान बोल के कंसिडर करते हैं। अभी स्टेप 3 देखते हैं कि लोडिंग कैलकुलेशन किलो न्यूटन। अभी हमारा जो स्लैब रहता है वो हम वन वे स्लैब जो रहता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की वजह से उसमें जो लोडिंग आती है वो हम पर मीटर डिज़ाइन करते हैं। अभी जैसे टू वे स्लैब में हम पर मीटर स्क्वायर डिज़ाइन करते हैं क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसी की वजह से, तो यहाँ पे सिर्फ हम किलो न्यूटन मीटर में ही पूरी लोडिंग कंसिडर करते हैं। अभी जैसे कि हमको पता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड आता है, डेड लोड में भी हम टेल फिट कंसिडर करते हैं, तो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इनटू वॉल्यूम, इसके वजह से हमको पता चलता है कि हमारा जो डेड लोड है उसकी वैल्यू मिल जाती है। अभी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या है, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में अब हम विड्थ तो जो है वो 1 मीटर कंसिडर करते हैं, अभी लेंथ भी हम क्या करेंगे 1 मीटर कंसिडर करके उसके पर मीटर लेंथ के लिए भी हम डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से लेंथ भी 1 हो गए विड्थ भी 1 हो गए, और जो डेप्थ जो है वो डेप्थ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे उसकी वजह से हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर उसको हम यूनिट ऑफ वेट कंसिडर करके उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको डेड लोड पता चल जाएगा। अभी बाद में आता है हमारा लाइव लोड, लाइव लोड हम अकॉर्डिंग टू IS
875 पार्ट 2 के ऊपर से ले लेंगे, जो भी हमारा अगर हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके लिए अलग है, कमर्शियल बिल्डिंग है उसके लिए अलग है, या तो फिर हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है तो उसके लिए सब चीज़ों के लिए अलग अलग लाइट है वो हम कंसिडर कर लेंगे इस हाई स्कूल से। अब बाद में आता है हमारा फ्लोर फिनिश। अभी फ्लोर फिनिश में भी हमारा कौन सा फ्लोर है, मतलब मार्बल का है या तो फिर कोटा का है या तो फिर जो फ्लोर फिनिश हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसके यूनिट वेट कॉन्क्रीट यूनिट वेट जो डिपेंड रहता है या तो फिर उसका वेट जो डिपेंड रहता है उसके हम उसके ऊपर हम फ्लोर फिनिश रहते हैं। ये सब चीज़ें हमको अपडेट IS 875 पार्ट 1 में दिए गए हैं, उससे हम यहाँ पे ये वो वैल्यू कंसिडर कर लेंगे और इन इन तीनों वैल्यूज का एडिशन करके हमको जो भी वैल्यू मिलेंगे उसको हम W से इंडिकेट कर देंगे, मतलब ये टोटल लोडिंग हो गया। हमें ये हो गया हमारे लोडिंग कैलकुलेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अभी जैसे ही हमको लोडिंग मिल गई और प्लेयर स्पान मिल गया, सॉरी इफेक्टिव स्पान मिल गया, उसके ऊपर से हम उसकी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए हमारे बेंडिंग मोमेंट क्या है, WLE² / 8, और उसके लिए शेयर फोर्स की जो वैल्यू है हमारी WLE/2, और कैंटिलीवर पोर्शन के लिए MU = WLE² / 2 और शेयर फोर्स WLE, ये दो चीज़ें हमको पता है। और इसी प्रकार अगर आपको कंटिन्यूस स्लैब के लिए निकालना होगा ये सब बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यूज, तो वो अलग अलग आएंगे। बॉटम पोर्शन मिड पोर्शन के लिए अलग, सपोर्ट के वहाँ पे जो भी पोर्शन है उसके लिए, इसको एक तो हमको MDM से सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गया हमारे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स के बारे में। स्टेप नंबर 6, चेक फॉर फ्रैक्चर, यहाँ पे हम डी रिक्वायर्ड निकालते हैं। अभी तक जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर ली, उस बेंडिंग मोमेंट का अभी यहाँ पे यूज हो सकता है। अभी हमको पता है कि अप्लाइड मोमेंट इज इक्वल टू रेजिस्टिंग मोमेंट। अगर हमारे बैलेंस सेक्शन कंसिडर करते हैं स्लैब को, तो हमारे जो अप्लाइड मोमेंट है वो रेजिस्टिंग मोमेंट के बराबर होना चाहिए। तो अप्लाइड मोमेंट मतलब क्या है, जो बेंडिंग मोमेंट है MU, और रेजिस्टिंग मोमेंट मतलब जो भी हमारा कंक्रीट या तो फिर स्टील जो हमने प्रोवाइड किया है उसकी वजह से जो भी हमारे को रेजिस्टिंग मोमेंट मिलेंगे उसको हम MU लिमिटिंग कहते हैं। अभी MU लिमिटिंग फॉर Fe 250, Fe 415 और Fe 500, ये अलग अलग है और वो हम उसके ग्रेड के हिसाब से हम उसको कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास FC की वैल्यू है और B की वैल्यू भी है। B हम 1000 कंसिडर करते हैं क्योंकि हम जो वन वे स्लैब की डिज़ाइन है वो पर मीटर डिज़ाइन करते हैं, इसी की वजह से हम यहाँ पर मीटर विड्थ के लिए डिज़ाइन करते हैं, इसी की वजह से हम यहाँ पे B की वैल्यू 1000 कंसिडर करते हैं। फिर अभी यहाँ पे MU लिमिटिंग की वैल्यू ये जो इक्वेशन है इससे रिप्लेस कर देंगे और MU की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट से रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों तरफ से हमको सिर्फ डी जो है वैल्यू है वो ही अननोन रहेंगे, उसी को हम डी रिक्वायर्ड कहते हैं। ये जो फॉर्मूलेशन हमको डी मिलेगा उसको हम डी रिक्वायर्ड कहते हैं। अभी यहाँ पे हमको डी रिक्वायर्ड मिल जाएगा, फिर उसको कंपेयर करेंगे डी रिक्वायर्ड को डी अजम से, तो फिर हमको पता चलता है कि डी रिक्वायर्ड जो है वो डी अजम से छोटा होगा, तो वहाँ पे वो डिज़ाइन सेफ है। अगर वो डी रिक्वायर्ड अगर डी अजम से ज़्यादा होगा तो वो डिज़ाइन सेफ नहीं है, वहाँ पे हमको रीडिज़ाइन करना पड़ता है और डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ता है। और इकोनॉमी के लिए हम यहाँ पे जो भी हमने डी रिक्वायर्ड अगर बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू डी अजम, तो वहाँ पे हम डेप्थ रिड्यूस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी भी मेंटेन रहती है। अभी देखते हैं हम स्टेप 7, टू फाइंड एरिया ऑफ मेन रेइनफोर्समेंट। मेन रेइनफोर्समेंट मतलब जो भी एक्सट्रीम बॉटम में जो भी हम रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं शॉर्टर स्पैन में या तो फिर लॉन्गेस्ट स्पैन में डिपेंड अपॉन सपोर्ट, तो उसको हम मेन रेइनफोर्समेंट कहते हैं। और ये जो मेन रेइनफोर्समेंट है वो हम ये फॉर्मूले से प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसका जो परसेंटेज है परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड फॉर मेन रेइनफोर्समेंट पर मीटर विड्थ, वो हम ये फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे हमको ये फॉर्मूले में हम सब चीज़ें पुट करने के बाद यहाँ पे जो डी आया है वो डी अज्यूम पुट करेंगे जो भी हमने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर हमको यहाँ पे PT मिल जाएंगे। ये जो PT हमने जो निकाला है वो PT हमारे PT मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो हम वहाँ पे PT मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील हमने निकाला ये परसेंटेज ऑफ स्टील जो IS कोड ने बताए वाले हमको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हमको PT मिनिमम प्रोवाइड करना है। वही PT मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर Fe 250, और PT मिनिमम फॉर Fe 415 एंड Fe 500 की 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया हमारे PT के बारे में, PT और PT मिनिमम के बारे में। अभी ये PT और ये PT मिनिमम से हमको एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे।
भी एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है, तो हमको पता है कि अभी पीटी हमने क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ स्टील टू द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया और परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका मतलब हमको एएसटी पता चल जाएगा इसके ऊपर से। अभी पीटी को हम 100 एएसटी बाय बीडी ये लिख सकते हैं, मतलब उसी का मतलब क्या है, परसेंटेज पीटी डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब बी इंटू डी ये हो गया हमारा एएसटी। इससे हमको एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन पोर्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पीटी मिनिमम है, सॉरी पीटी है, तो पीटी के लिए यहाँ पे हम डेप्थ कंसिडर करते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पे जो पीटी मिनिमम आता है उसके लिए हम कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ कंसिडर करते हैं, या इस कोड में मेंशन किया वाला है, इसी की वजह से आप ये कैपिटल डी प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी उस ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर से हम एएसटी निकाल देंगे, अगर हमारा पीटी पीटी मिनिमम से कम होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमारा पीटी पीटी मिनिमम से ज़्यादा होगा तो वो टाइम पर हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। ये हो गया एएसटी के बारे में, इसमें से हमको एएसटी मिल जाएंगे। अभी ये जो एएसटी आया है तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे हमारे स्लैब में, मतलब उसकी स्पेसिंग क्या होंगी वो सब हम अब देख स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं और उसको भी चेक कर लेंगे स्पेसिंग बराबर है या नहीं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। अभी स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय एएसटी इनटू 1000। अभी 1000 क्यों, क्योंकि हम पर मीटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारी स्लैब है वो हम पर मीटर के लिए डिज़ाइन कर लिए, इसी की वजह से हम 1000 mm के लिए हमारी जो स्पेसिंग है वो निकालेंगे, फिर बाद में पूरे स्लैब के ऊपर वही स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये स्पेसिंग निकालने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ बार चाहिए और एएसटी चाहिए। एरिया ऑफ बार आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बार मतलब ही एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अभी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के लिए हमको डायमीटर कंसिडर करनी पड़ेगी। अभी एरिया ऑफ बार मतलब क्या है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ये होगा हमारे एरिया ऑफ बार। अब यहाँ पे डी नहीं है, डी अज्यूम करना पड़ेगा, ये डी मतलब हमारे डायमीटर है। अब ये डी कैसे अज्यूम करते हैं, कंसिडर डायमीटर ऑफ बार इज इक्वल टू 8 mm, 10 mm, 12 mm, ये हो गया हमारे जो डायमीटर है जनरली स्लैब में यूज करते हैं। यहाँ पे वो बार्स प्रोवाइड कर देंगे, उसके ऊपर से हमको एरिया ऑफ बार मिल जाएगा। फिर एएसटी तो हमने अभी निकाला था, तो ये वही एएसटी यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे प्लेस कर देंगे, फिर बाद में हमको स्पेसिंग मिल जाएगी, ये दोनों चीज़ों के ऊपर से हमको स्पेसिंग मिल जाएंगे। अभी ये जो भी स्पेसिंग आई है वो हमारी ए स्पेसिंग है। अभी जैसे हमको पता है, हमको क्लॉज नंबर 26.3.b पेज नंबर 46 में मिनिमम स्पेसिंग के लिए क्राइटेरिया दिया वाला, मतलब ये स्पेसिंग स्पेसिंग के लिए क्राइटेरिया दिया वाला है। जैसे कि ये जो हमारी स्पेसिंग आई ये या तो फिर 3D, यहाँ पे डी ए जो है वो डेप्थ है हमारी 3D, और या तो फिर 300, ये तीनों में से जो भी ले सकूँ वो वहाँ पे हम यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये हो गया स्पेसिंग के बारे में। अभी हम देखते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अभी हमको पता है कि एज इट इज़ अ सेकेंडरी स्टील, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है वो सेकेंडरी स्ट्रेसेस कैरी करता है, जैसे कि क्रिप हो या तो फिर हमारे टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस को कंसिडर करता है। इसकी वजह से ये लोडिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, इस ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ये सिर्फ सेकेंडरी स्टील एज ए सेकेंडरी स्टील यूज़ करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी स्टील है तो उसके लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था पीटी मिनिमम वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। पीटी मिनिमम 0.15% फॉर Fe250, 0.12% फॉर Fe415 एंड Fe500। अभी पीटी मिनिमम के ऊपर से हमको एएसटी मिल जाएंगे, और ये जो एएसटी आया है ये हमको एएसटी मिल गया, और फिर एएसटी के ऊपर से हम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। अभी सेम जैसे हमने अभी मेन रेनफोर्समेंट के लिए जो हमने स्पेसिंग निकाली थी उसी प्रकार इसके लिए निकाल देंगे। अभी इसमें सिर्फ चेक करते टाइम यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे जो ए है वो हमारी जो स्पेसिंग आई है फॉर्मूले के ऊपर से वो है, और बी जो है वो 5D है, डी मतलब डेप्थ ऑफ स्लैब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब जो भी हमने अज्यूम कर ली है उसकी, और सी जो है वो 450 mm, और इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारी स्पेसिंग एज ए स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया स्पेसिंग के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट स्टेप नंबर 11 चेक फॉर डिफ्लेक्शन, इसमें हमारा स्लैब डिफ्लेक्शन में सेफ है या नहीं ये देख लेंगे। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए दो इक्वेशन है, वो एक एक्चुअल LYD और दूसरा अलाइवल LYD। एक्चुअल LYD निकालने के लिए एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी अज्यूम या फॉर्मूला, ये हमने जो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में जो एल इफेक्टिव और डी अज्यूम निकाला था वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसके ऊपर से हमको एक्चुअल LYD मिल गया। अभी अलाइवल LYD निकालने के लिए
हमको हमारे पास वो रेशियो है जो हमने स्टेप नंबर टू में कंसिडर किए थे, उसके ऊपर से हम 20 × ml ये जो हमारी वैल्यूज है, या हम वन वे सॉरी सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर और कंटिन्यूस लैब के लिए अलग अलग है, वो हम स्टेप नंबर टू से वो देख लेंगे और जो LYD का जो रेशियो है वो कंसिडर करेंगे। और MF यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। वे MF कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पे हम जो हमारा ये रेशियो कंसिडर किया था हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, ये हम वापस से कैलकुलेट करेंगे। जो हमने मेन रेनपोस्ट में प्रोवाइड किए वहाँ पे हमने एरिया को हमको कितना एरिया रिक्वायर्ड है और हमने कितना एरिया प्रोवाइड कर दिया है, ये दोनों चीज़ों का हम ये रेशियो निकालेंगे और फिर से FS कैलकुलेट करेंगे। और फिर यहाँ पे जो परसेंटेज है, जो हमने मेन रेनपोस्टमेंट के लिए परसेंटेज प्रोवाइड कर दिए, PT और PT मिनिमम जो मैक्सिमम होंगी वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और FS की वैल्यू ये दोनों वैल्यू के ऊपर से इंटरपोलेट करके हम हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे हमको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा, हमको ये LYD भी रेशियो मिल जाएगा, LYD रेशियो और ये एक्चुअल LYD, ये दोनों को कंपेरिजन करेंगे, मतलब ये एक्चुअल LYD और अलाइबल LYD, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर एक्चुअल LYD कम होगा अलाइबल LYD से, तभी हमारा जो स्लैब है वो डिफ्लेक्शन में सेफ होगा, या तो फिर वो सेफ नहीं होगा। ये हो गया चेक फॉर डिफ्लेक्शन के बारे में। अभी देखते हैं हम स्टेप नंबर 12, चेक फॉर शियर। अभी हम सबको पता है स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और शियर स्ट्रेस मतलब क्या, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा ताऊ वी जो है हमारा वो शियर स्ट्रेस है, और वी यू जो है वो हमारा अप्लाइड फोर्स है, और बी इंटू डी है वो हमारा रेजिस्टिंग एरिया है। अभी बी और डी रेजिस्टिंग एरिया क्यों, ये देखते हैं। जैसे हमको पता है अभी ये लेंथ है और ये विड्थ है स्लैब की, और जो हमारा सपोर्ट रहता है हमारे स्लैब के लिए सपोर्ट रहता है, वो सपोर्ट जो है वो हमारा अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, और जो भी हमारा ये जो स्लैब का स्लैब के ऊपर आने वाली लोडिंग है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है। इसकी वजह से इसमें शियर जनरेट होता है, और उसकी वजह से ये जो हमारा पैरेलल सेक्शन जो हमने ऑरेंज लाइन से मार्क किया है, ये हमारा पैरेलल सेक्शन है दो बी विड्थ के लिए और परपेंडिकुलर है लोडिंग के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे कट सेक्शन डेवलप हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बी और डी ऐसा कट सेक्शन डेवलप होगा शियर की वजह से, इसी की वजह से जो बी और डी ये जो कट सेक्शन आए हैं ये हमारा रेजिस्टिंग एरिया है, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया वी यू डिवाइडेड बाय बी डी। ये हो गया, हमको ताऊ भी मिल जाएगा। अभी ताऊ सी डैश हम निकालेंगे के इंटू ताऊ सी से। अभी के कैसे निकालते हैं, के के लिए हमारे पास जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती है वैसे जैसे हमारी डेप्थ कम हो जाती है स्लैब की, उसी के ऊपर हमारे जो के की वैल्यू है बढ़ती जाती है। ये हमने क्लॉज नंबर 14.2.1.1 पेज नंबर 72 में ये दिए वाला है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। और ताउसी की वैल्यू हम टेबल नंबर 19 के ऊपर से निकालेंगे। अभी टेबल नंबर 19 के ऊपर से ताउसी की वैल्यू निकालने के लिए हमको कंक्रीट का ग्रेड और परसेंटेज मेन रेनफोर्समेंट में जो परसेंटेज प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू चाहिए। अभी मेन रेनफोर्समेंट की परसेंटेज की वैल्यू पास तो हमारे पास है, और कंक्रीट का ग्रेड हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया है। कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड, ये दोनों चीज़ें हमारी अवेलेबिलिटी और उसका इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है, मतलब स्ट्रक्चर की इकोनॉमी क्या है और उसको कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर डिपेंड है हमारे, ये दोनों चीज़ें। अब ये हो गया हमारा, अगर हमने यहाँ पे M20 कंसिडर कर लिया कंक्रीट का ग्रेड, और जो हमारा स्टील परसेंटेज है 0.50 आ गया, तो ये दोनों को हमने इंटरपोलेट करके देखा तो हमको पता चल गया कि ये जो वैल्यू है 0.48 ये हमारे ताउसी की वैल्यू है। अभी ताउसी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, फिर ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे ताउवी और ताउसी डैश को। ताउवी मतलब क्या है, ताउवी मतलब हमारा अप्लाइड स्ट्रेस है, और जो ताउसी है वो रेजिस्टिंग स्ट्रेस है स्ट्रेंथ है, मतलब जो हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो ताउसी डैश है, और ताउवी क्या है, जो अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम ताउवी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ताउवी है वो एज कम्पेयर टू ताउसी डैश कम होना चाहिए, तभी हमारा जो स्लैब है वो शियर में सेफ होगा। अगर ये ताउवी की वैल्यू बढ़ गई हमारे ताउसी डैश से, तो हमारा स्लैब जो है वो शियर में सेफ नहीं होगा। अभी इसी के ऊपर हमको पता चलता है जैसे डेप्थ डी की वैल्यू बढ़ती है वैसे ताउवी की वैल्यू कम हो जाती है, ये एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे पता चलता है कि जैसे हम डेप्थ बढ़ा देंगे उसी प्रकार हमारे ताउवी की वैल्यू कम हो जाएंगे, और ताउसी डैश की वैल्यू वैसे ही रहेंगे, मतलब वो भी थोड़ी सी चेंज होंगे पर एज कम्पेयर टू ताउवी वो वैसे ही रहेंगे, और फिर ताउवी की वैल्यू कम होने की वजह से हम वापस से वहाँ पे ये शेयर में वापस से हमारे स्लैब को सेव कर सकते हैं। इसी के ऊपर हमको पता चलता है कि डेप्थ बढ़ाने की वजह से भी हम चेक फॉर शेयर चेंज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे वन वे स्लैब की डिज़ाइन के बारे में।
सब स्टेप्स हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वन वे स्लैब या टू वे स्लैब के बारे में और जानना चाहिए जानने की इच्छा है तो प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियो भी देख लीजिए, जैसे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वे स्लैब, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन टू वे स्लैब, हाउ विच टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाए, आप प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।